हेलो एवरीवन, हो गया? हेलो एवरीवन, सब लोगों को इनवाइट कर दो जल्दी जल्दी, है ना। आज से अपन दोबारा से लाइव स्टार्ट करते हैं लाभ और हानि पर, ठीक है। जल्दी जल्दी बुला दो। जल्दी जल्दी आते जाओ जी। एक मिनट दे रहा हूँ, सब लोग लाइव पर आ जाओ। जो आ गया वो सबको इनवाइट करता जाए जल्दी जल्दी। चलो यार, आज अपन स्टार्ट करते हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस। सॉरी यार, इसको क्या बोलेंगे, लाभ और हानि बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो अपन स्टार्ट करते हैं। चलो यार, तो स्टार्ट करते हैं। मतलब लाभ और हानि का मतलब क्या है, आज इसकी वॉकेब अपन समझेंगे। पूरा परसेंटेज ये सारा कंसेप्ट पूरा परसेंटेज का ही लगना है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट ये अलग है इसमें कि थोड़ा सा लाभ हानि, मार्केट प्राइस, SP वगैरह, उन सारे शब्दों को हम लोग समझ रहे होंगे एक बिल्कुल नए तरीके से। मुझे पता है आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, SP क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, सब पता है। लेकिन एक बार दोबारा से पढ़ते हैं एक नए सिरे से, ठीक है ना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नंबर पहला अपन नंबर वन पर लेते हैं। मान लीजिए एक CP कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं। अच्छा, ये लागत मूल्य क्या होता है, एक वस्तु को बनाने में जितनी लागत लगती है, एक वस्तु को अपने पास तक लाने में जितनी लागत लगती है, वो क्या होता है, लागत मूल्य। लागत मूल्य को कुछ लोग समझते हैं क्रय मूल्य, तो वो क्रय मूल्य नहीं होता। अपने अपना जो माइंड सेट है वो ठीक कर लीजिए। क्रय मूल्य मतलब होता है परचेज प्राइस, यानी कि एक और मूल्य होता है परचेजिंग प्राइस। इसको बोल सकते हैं अपन क्रय मूल्य। मैं अभी इन तीनों मूल्यों में डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा। और थर्ड जो होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। इसको क्या बोलोगे, निर्माण मूल्य। अच्छा, इन तीनों बातों में डिफरेंस क्या है, सॉरी ये कॉस्ट लिखे कॉस्ट है भाई, हाँ। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझना है कि इन तीनों मूल्यों में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या है। हमें तो तीनों एक ही लगता है। हम कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य बोलते हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे होते हैं। तो हम समझते हैं कि ये होता क्या है। जरा देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्राइस की। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का मतलब होता है निर्माण मूल्य, यानी कि एक वस्तु को बनाने में कितना, निर्माण करने में कितना कॉस्ट आया, वो क्या होता है, निर्माण मूल्य। मान लीजिए मार्कर बनाने में, मान लीजिए फैक्ट्री में इसका निर्माण करने में 2 रुपए की लागत आई, तो वो 2 रुपए क्या हो गया, आपका निर्माण मूल्य हो गया। और एक और बात, क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस तो हमेशा बदलते घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो निर्माण मूल्य होता है वो हमेशा सेम रहता है। यदि मेरे हाथ में भी है ना, भले ही मैं इसे 20 रुपए में खरीद के लाया, लेकिन मैं क्या बोलूँगा, इसका निर्माण मूल्य अभी भी कितना है, 2 रुपए। यानी किसी वस्तु को निर्माण करने में जितनी लागत आती है उसको क्या बोलते हैं, निर्माण मूल्य बोलते हैं, है ना। और निर्माण मूल्य हमेशा फिक्स होता है। और निर्माण मूल्य किसका हो सकता है, कभी भी थोक व्यापारी या फिर खरीद विक्रेता का निर्माण मूल्य नहीं होता है। निर्माण मूल्य होता है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में। याद रखना, जो निर्माण मूल्य होता है वो फैक्ट्री में होता है। पहली बार निर्माण मूल्य होता है वो फिक्स होता है। इसको बनाने में 2 रुपए की लागत आई, चाहे वो मेरे हाथ में या किसी और के हाथ में, हम क्या बोलेंगे, 2 रुपए निर्माण मूल्य। और अब बात करते हैं क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब परचेजिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस नहीं होता। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है लागत मूल्य। समझ आ रहा है? तो चलिए, परचेजिंग प्राइस क्या होता है, कोई व्यक्ति जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदता है उसको क्या बोलेंगे हम, परचेजिंग प्राइस, जितने रुपए में हमने वो चीज खरीदी है। समझ आ रहा है? जितने रुपए में खरीदेंगे उसको क्या बोलेंगे, परचेजिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब है जितने रुपए खरीदने में जितने रुपए की लागत आई उसे, वो क्या हो गया हमारा, परचेजिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया।
तो जरा एक बार थोड़ा और डिटेल में अंतर समझते हैं। मान लीजिए कोई मशीन मैंने खरीदी, कोई मशीन है वो मैंने खरीदी, मान लो कि 10,000 रुपये में। वो मशीन इतनी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो यहाँ पर मिलती नहीं थी, बाहर मिलती थी। मान लीजिए कि मैं जैसे कि मैं ग्वालियर में रहता हूँ, दिल्ली में वो मशीन मुझे मिलती है। दिल्ली में यदि मशीन मिलती है तो दिल्ली से मैं जाऊँगा, आऊँ, उसे लेकर के आऊँगा, तो लाने में खर्चा हो गया मान लीजिए कि 2,000 रुपये भाड़ा लग गया। तो अब मैं बोलूँगा इसे कि कितने की पड़ी मुझे, 12,000। अब जरा देखिएगा, लागत तो आपको इतने आई, लागत कितनी आई, 12,000। यानी कि आपकी जो CP होगी, कॉस्ट प्राइस, वो क्या होगी, 12,000। लेकिन जो क्रय मूल्य होगा, जिसने मैं आप खरीद के लाए, क्रय मतलब क्या होता है, खरीदना, तो जो क्रय मूल्य है या फिर जो परचेजिंग प्राइस है वो कितना है आपका, परचेजिंग प्राइस जो है वो क्या है, कितना है आपका, 10,000। यानी 10,000 रुपये में आप उस चीज़ को खरीद के लाए, लेकिन आपको पड़ी कितने की, 12,000 रुपये की। समझ पा रहे हैं? तो क्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस दोनों अलग अलग होता है। क्रय मतलब कितने रुपए में खरीद के लाए, लागत मतलब कितने रुपए की आपको पड़ी। समझ आ रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। यदि समझ आ गई तो कमेंट में लिख दो, जी सर समझ में आ गया। चलिए जी, तो इसके आगे चला जाए। हाँ, अब ये हो गया मशीन का क्रय मूल्य और ये हो गया हमारा लागत मूल्य। चलिए तो अगले पॉइंट ऑफ व्यू पर चलते हैं। मान लीजिए कि मैंने कोई मशीन है, इसके अलावा कोई हाउस है वो मैंने खरीदा, कोई घर है मैंने खरीद लिया, 7,00,000 रुपए का मान लीजिए मैंने वो घर खरीदा। और अब मैंने क्या किया कि चूंकि वो घर इतना बेकार था कि वो रहने लायक नहीं था, 1,00,000 रुपए मैंने खर्च कर दिया, उसके जो वाइट वॉश वगैरह करानी थी और भी फर्नीचर वगैरह कराना था, तो मैंने उसमें मैंने खर्च कर दिया, तो वो मुझे कितने का पड़ा, 8,00,000 का। तो 8,00,000 क्या हो गई मेरी CP, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मुझे पड़ा वो घर कितने का, 8 का, मैंने खरीदा कितने में, 7,00,000। यानी परचेजिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस में अंतर तब आता है जब वो खर्चा होता है। अब सपोज करो कि ये मार्कर मैंने 25 रुपये में खरीद के लाया, 25 ही मेरा क्रय मूल्य, खरीद के भी लाया 25 ही मेरा लागत मूल्य, लेकिन इसे लाते लाते यदि मैंने 5 रुपये खर्च कर दिए, तो खरीद के लाया 25 में और लेकिन मुझे पड़ा कितने का, 30 रुपये का। समझ पा रहे हैं ना? तो यदि खर्चा नहीं होगा, यदि मान लो कि ये खर्चा नहीं होगा, ये जो एक्सपेंस किया जो हमने, वो यदि वो एक्सपेंस नहीं होगा, तो चाहे आप क्रय मूल्य बोलो चाहे लागत मूल्य बोलो, दोनों बातें बराबर हैं। और यही कारण है कि कभी कभी हम क्रय मूल्य को लागत मूल्य समझ, पर खर्चा नहीं होता और फिर हमारा क्वेश्चन भी सही होता है, गलत नहीं होता। ठीक है, हाँ जी कृष्ण शर्मा जी बिल्कुल, राम राम जी, है ना। चलो तो ये सारे कंसेप्ट हमें समझ में आ गए, अब हम चलते हैं आगे। जो पांचवा, जो चौथा है वो अपन समझते हैं SP, यानी कि विक्रय मूल्य। इसको मैं लिख देता हूं सेलिंग प्राइस, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, विक्रय मूल्य। अभी विक्रय मूल्य क्या होता है जरा हम समझते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, जब भी मैं CP की कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा ना, तो इसको मैं शॉर्ट में हमेशा CP ही लिखूंगा, और इसको मैं बात करूंगा तो इसको मैं हमेशा SP ही लिखूंगा। अब बात करते हैं SP की। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस के मामले में आप मेरी बस एक डेफिनेशन याद रखना, किसी चीज को बेचने के एवज में हमें जितनी धनराशि प्राप्त होती है वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। जरा हम देखते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए कि 10,000 रुपये मैंने कोई मशीन बेची, मैं मशीन विक्रेता हूं, मैंने कोई मशीन 10,000 रुपये में बेची, तो 10,000 रुपये मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। लेकिन यदि कंडीशन थोड़ी सी बदल दी जाए, जैसे कि आप ऑनलाइन मार्केट में जाते हैं, वहां पर कई बार डिलीवरी फ्री होती है, आप लोगों को भी पता होगा कि घर तक पहुंचा करके देते हैं, तो क्या हमारे यहां से घर तक पहुंचाने में क्या कोई लागत आएगी? बिल्कुल आएगी। अब मान ली मशीन है, मशीन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर किसी जगह पर मिलती है, उसने डिलीवरी फ्री कर रखी है, तो 10,000 रुपये हम दे करके तो उसे आ गए, लेकिन अभी वो क्या करेगा, भाड़ा भाड़े वाले को देना पड़ेगा उसे। मान लो कि 1,000 रुपये भाड़े का लग गया, तो अब वो क्या बोलेगा कि मैंने वो मशीन सिर्फ 9,000 रुपये में बेची है, यानी 9,000 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। कैसे? 10,000 रुपये तो उसने लिए, लेकिन उसे उसके लिए 10,000 रुपये मिले कहाँ, 1,000 रुपये वो कहीं और भी दे आया भाड़े के लिए, उसे कितना मिला,
सिर्फ 9000। यानी कि किसी वस्तु को बेचने के एवज में जितनी धनराशि मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोल रहे होते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा और कंसेप्ट पर आते हैं। एक बात याद रखना, सीधा सीधा कि क्रय मूल्य में खर्चे जुड़ते हैं लेकिन सेलिंग प्राइस में खर्चे घटते हैं। समझ आ रहा है? चलिए तो एक छोटा सा कंसेप्ट और हम समझते हैं, इसमें रफ कर देता हूं। आपको पता है कि खरीदते समय खर्चे क्या होंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि मैं भाई यदि 10000 रुपए की मशीन लाया, लाते लाते मैं 1000 रुपए और लगा दी तो 11000 रुपए की मुझे पड़ी, तो लागत मूल्य कितना हो गया 11000। बेचते समय खर्चे घटते हैं, 10000 रुपए की मशीन मैंने बेची, 1000 रुपए मुझे भाड़े पहुंचाने में लग गए तो कितने रुपए की पड़ी मुझे, 9000 रुपए की। समझ आया कि 9000 रुपए मैंने बेची, मैं कहूंगा। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर जो एक्सपेंस होते हैं ना, कौन से एक्सपेंस जुड़ते हैं जरा ध्यान से समझते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने एक घर खरीदा, उसमें खर्च कर दिया तो वो जुड़ेगा, लेकिन मैंने अपनी बाइक खरीदी यदि खर्चे जुड़ते हैं ना, तो बाइक मैंने खरीदी थी 50 रुपए की, और जब से मैंने खरीदी है ना तब से लेकर के आज तक मैं उसकी सर्विस करा चुका हूं बहुत बार, तो मैंने सर्विस अभी तक करा ली है 20000 रुपए की सर्विस करा ली है। अब आप क्या कहोगे, क्या मुझे 70000 रुपए की बाइक पड़ी, नहीं, यानी कि क्या मुझे 70000 रुपए की सीपी पड़ी, नहीं। अब ये वाले खर्चे नहीं जुड़ते, सर्विस मैंने करा दी नहीं जुड़ेगा, पेट्रोल डला ली ये भी नहीं जुड़ेगा। बहुत सारे खर्चे जुड़ते हैं, बहुत सारे नहीं जुड़ते हैं, तो हम इस बात पर आते हैं कौन से खर्चे जोड़े जा सकते हैं और कौन से खर्चे नहीं जोड़े जा सकते, ठीक है। तो खर्चे भी दो तरह के होते हैं, इन दोनों खर्चों के बारे में अपन थोड़ा डीपली समझते हैं। तो जो एक्सपेंस होते हैं ना, एक्सपेंस होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैपिटल नेचर के, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है, इसको यदि हिंदी में बोलोगे तो बोलोगे पूंजीगत व्यय, क्या बोलोगे, पूंजीगत खर्चे, और इनको बोलोगे आयगत खर्चे। अच्छा, पूंजीगत खर्चे और आयगत खर्चे होते क्या हैं, तो हम इस बारे में बात करते हैं। अच्छा, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो वस्तु की कीमत को बढ़ाते हैं, मैं इस पर तौर पर बता रहा हूँ। कैपिटल नेचर के खर्चे वो होते हैं जो किसी वस्तु की कीमत को बढ़ाते हैं, रेवेन्यू खर्चे वो होते हैं जो किसी वस्तु की कीमत को नहीं बढ़ाते। जैसे कि मैंने लिया एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, मैंने घर लिया 10 लाख का मैंने घर ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10 लाख का जो मैंने घर लिया उसमें मैंने अभी तक वॉइड वॉश करा चुका हूँ, हर साल वॉइड वॉश कराता हूँ, तो क्या मैं उस खर्चे को जोड़ूंगा कि भाई कोई आएगा का इस खर्च इसे लेने के, मैं कहूँगा कि मैं 1000 रुपये करके 20 साल तक मैंने इसमें वॉइड वॉश कराई, लगभग मेरे 20000 रुपये और खर्च हो गए, क्या मेरी सीपी बढ़ेगी, नहीं, अब सीपी नहीं बढ़ेगी। अब जरा सुनो, कुछ खर्चे कीमत बढ़ाते हैं वो जोड़े जाते हैं, कुछ खर्चे कीमत नहीं बढ़ाते हैं वो नहीं जोड़े जाते। अब समझिए, खर्चे जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब खर्चे कौन से जुड़ेंगे कौन से नहीं जुड़ेंगे, कैपिटल नेचर के खर्चे जोड़े जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के खर्चे नहीं जोड़े जाते। अब कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू खर्चे वो होते हैं जो हम बार बार करते हैं, एक बार नहीं बार बार कर बार बार करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की हर महीने की सर्विस कराना, क्या जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। घर में हर साल वॉइड वॉश करना, क्या ये जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा, ये वस्तु की कीमत को नहीं बढ़ाता। समझ आ रहा है, ये जो रेवेन्यू खर्चे होते हैं वो बार बार किए जाते हैं और कम धनराशि के होते हैं, कम धनराशि के होते हैं, ज़्यादा बड़े खर्चे नहीं होते हैं, बहुत छोटी भी धनराशि के होंगे। 1000 रुपये का कहीं वॉइड वॉश करा दिया, 200 रुपये का आपने कहीं पर सर्विस करा ली, वो सारे के सारे खर्चे हैं। समझ पा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वे खर्चे होते हैं जो सिर्फ एक बार होते हैं और एक बार, और दूसरी बात यह कि कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, ज्यादा बड़ी धनराशि का होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्विस वाली सर्विस नहीं जुड़ रही है, लेकिन देखो सर्विस जुड़ेगी भी। मान लो कि एक पुरानी बाइक मैंने और इस बाइक को खरीदा मैंने 50000 रुपए में या 20000 रुपए में खरीदा, पुरानी बाइक थी जी, सर्विस उसने की मान लो कि 10000 रुपए की सर्विस कर दी, 10000 रुपए की सर्विस कर दी, चूंकि बहुत सारे
आइटम्स उसमें खराब थे, तो 30,000 रुपए क्या वो आप जो बार बार करा रहे थे वो सर्विस नहीं जोड़ी जाएगी, लेकिन जो सर्विस आपने खरीदते टाइम जो सर्विस कराओगे वो सर्विस आपकी जोड़ी जाएगी, जोड़ा जाता है। चल आगे चलते हैं। बफरिंग हो रही है जी, बोल रहे हैं चलो यार, तो इसे मैं रफ कर देता हूं। एक्सपेंस के बारे में बात समझ में आई, ये कैपिटल रेवेन्यू होता है, कैपिटल नेचर के जोड़े जाते हैं जो कि बड़े खर्चे होते हैं। चलो मैं इसे अब मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, अब हम चलते हैं आगे। सेलिंग प्राइस के बाद एक प्राइस और आती है। हाँ अब ठीक आ रहा है, वो बोल रहा है बट चलो। तो पांचवें नंबर पर जो प्राइस है वो है हम अंकित मूल्य मार्क प्राइस। अब ये मार्क प्राइस क्या होता है इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं। इसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य, और आज के बाद मैं इसे बोलूंगा शॉर्ट में एमपी मार्क प्राइस, या हालांकि एमपी इसका भी शॉर्ट फॉर्म बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का, लेकिन इस वर्ड का किसी वस्तु के ऊपर जितना मूल्य अंकित कर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। जैसे कि इस मार्कर के ऊपर कितना 25 रुपए लिखा हुआ है जी, समझ आ रहा है? तो 25 क्या अंकित मूल्य, क्लियर है या नहीं? चलिए मार्क प्राइस को भी कई नामों पर जाता है, इस मार्क प्राइस को एक बोलते हैं इसे सूची मूल्य। सूची मूल्य, सूची मूल्य को हिंदी में एक सूची बनती है उसमें सारे की वैल्यू लिखी हुई होती है, तो उसको हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं, सूची मूल्य। अब छठवां नंबर आता है हमारा डिस्काउंट। हाँ इसके बारे में एक बात और बतानी थी। हाँ इसको क्या है, इसको एमआरपी कुछ लोग बोलते हैं एमआरपी। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस खुदरा मूल्य, यानी कि मान लो किसी वस्तु पर एमआरपी पड़ी है 25 रुपए, तो ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, अधिकतम खुदरा मूल्य है। इससे ज्यादा मूल्य पर बेचता है, इससे ज्यादा बेचता। वो एमआरपी क्यों लिखते हैं, एमआरपी नियम के क्या कर दिया कि अब आप एमआरपी डालोगे, मार्क मैक्सिमम रिटेल प्राइस डालोगे, यानी इससे ज्यादा पर आप नहीं बेचोगे, वो प्राइस डालिए। तो इसलिए एमआरपी डालने लगे तो एमआरपी पर टैक्स लग जाता है, तो रेवेन्यू में कोई नहीं आती है, ठीक। छठवां नंबर अपन देखते हैं डिस्काउंट। अच्छा डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है बट्टा या फिर छूट भी बोलते हैं इसे। अच्छा ये बट्टा क्या हो, बट्टा मतलब कोई कोई मार्क प्राइस है, मान लीजिए कि एक वस्तु है उस वस्तु को बेच दिया, तो ये 10 रुपए उसने कम किए थे ना, वो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, समझ पा रहे हैं? तो डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस से और सेल प्राइस में जो भी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट। मार्क प्राइस से जितने रुपए कम में बेचोगे वो क्या हो गया आपका, डिस्काउंट हो गया, समझ। चलिए चलो यार, मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स ही हो रही है। सनी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जरा देखियो। देख जरा, अफरिंग नहीं हुई, चला गया वीडियो, प्लेबैक इंटरप्ट, क्या करें। क्या हो रहा है यार, ये डिस्कनेक्ट दोबारा से करके।